वडोदरा शहर के संविति फाउंडेशन के द्वारा शॉर्ट स्टोरी और साहित्य पर आधारित वर्कशॉप 2019 को लेकर आज एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद को साहित्य एकेडमी अवार्ड विजेता प्रोफेसर सुमन शाह ने संबोधित किया था। संविति फाउंडेशन पिछले 2 साल से शहर में कार्यरत है और अब तक 200 जितने कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा कर दिए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में संविति फाउंडेशन महिलाओं के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन कर रही है, जिस पर विस्तृत माहिती देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। यह संस्था महिलाओं को भावनात्मक, बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सशक्त करने के लिए तथा उनके जीवन में परिवर्तन की लहर लाने के लिए काम करती है और इसी के तहत साहित्य पर आधारित और शॉर्ट स्टोरी पर आधारित एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिस पर माहिती देने के लिए आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में है, गुजराती में जेने टूंकी वार्ता कही है, एने विषय आ कार्यक्रम है। एटले आ संस्था महिलाओं माटे ज काम करे छे अने महिलाओं ने साहित्य द्वारा, खास करीने टूंकी वार्ता के काव्यों द्वारा बल आपवानो અથવા તો એમને હું ફાફવાનો પ્રયાસ છે। સાહિત્ય પોતાનું કામ કરે અને એમને પ્રોત્સાહન મળે। કેટલા વર્ષથી એનજીઓ કામ કરે? એનજીઓ નથી, આ છેલ્લા 2 વર્ષથી આ સંસ્થા કામ કરે છે અને 200 જેટલા કાર્યક્રમો કર્યા છે। મારું નામ સુમન શાહ છે, હું ગુજરાતી ભાષાનો સાહિત્યકાર છું। અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ગુજરાતી વિભાગમાં અધ્યક્ષ હતો, 2002માં હું રિટાયર થયો છું।